हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल एक्स एंड बोल्ड। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेरे जितने भी कलेक्शन है, इस कलेक्शन के ऊपर ये वीडियो बनवाने वाला है। तो गाइस, बहुत टाइम से, मतलब बहुत काफ़ी टाइम से मेरे को आप लोग बोल रहे हो भाई आपका कलेक्शन वीडियो दिखाओ, आपके पास कौन सी गन स्किन है। तो गाइस, ये वीडियो उसी के ऊपर बनने वाला है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा मेरे पास कौन से कलेक्शन है। ठीक है, इसको वीडियो के एंड तक जरूर देखना। अगर उससे पहले अगर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, इसको चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा प्रोफाइल से, तो गाइस ये मेरा प्रोफाइल है, ये मैंने बनाया था, ये अकाउंट मैंने बनाया था 2017 में, आई थिंक नवंबर में मैंने बनाया था, 2017 के नवंबर में। ठीक है गाइस, तो मेरा अभी लेवल है 74 और यहाँ पे देख सकते हो गाइस मेरे को मिला हुआ है ये जो आता है स्ट्रीमर का आइकन, स्ट्रीमर क्योंकि मैं यूट्यूब स्ट्रीमर हूँ। ठीक है गाइस, ये मेरा प्रोफाइल है, इसमें 13226 लाइक्स है। और गाइस देख सकते हो मैंने इस बार का इलाइट बस अभी तक नहीं लिया, मैं तो ऑफर का इंतजार कर रहा हूँ, एक ऑफर आ जाए। ठीक है, वो मिस्ट्री शॉप वाला ऑफर, उसके बाद मैं लूंगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे अभी तक के जितने सारे इलाइट पास है मैंने मैक्सिमम सबके सब इलाइट पास लिए हुए हैं, बस पहला इलाइट पास और थर्ड इलाइट पास और फिफ्थ इलाइट पास को छोड़ के, मतलब मैंने अभी तक जितने सारे इलाइट पास आए उनमें से मैंने 3 इलाइट पास छोड़ के मैंने सारे के सारे इलाइट पास लिए हुए हैं। ठीक है गाइस, तो चलो गाइस अब जाते हैं हमारे कैरेक्टर के ऊपर। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कैरेक्टर में मेरे पास लगभग सारे के सारे कैरेक्टर ही जितने भी अभी तक आए हुए हैं सबके सब ही है, लेकिन दो कैरेक्टर अभी तक मैंने नहीं लिया है, क्लू और उल्फ पर है, क्योंकि ये वाला कैरेक्टर जब आया था इवेंट में तब मैंने इसको क्लेम करना भूल गया था और इसको मैंने ऐसे ही नहीं लिया। ठीक है गाइस, गाइस देख सकते हो यहाँ पे मेरा लेवल 6 का, ये क्योंकि स्टार्टिंग में गाइस ये दो कैरेक्टर था, ये दो कैरेक्टर एकदम स्टार्टिंग में ये दो कैरेक्टर था। ठीक है गाइस, तो गाइस देखते हो मैंने सारे मैंने लेवल अप सब लेवल 6 का है जो भी मेरे यूजफुल कैरेक्टर्स है। तो गाइस मैं ज़्यादातर सभी को पता है मैं आलोक लेके खेलता हूँ, तो आलोक का भी 6 है यहाँ पे, मैं क्योंकि मैं ज़्यादातर क्लास कोड खेलता हूँ तो यहाँ पे मैं मोको लगाया हुआ है। और केली का इस केली देख सकते हो मेरे पास इलाइट केली भी है, जिसको बोलते हैं स्विप केली, ये भी है और केली मेरा लेवल 6 का है। और इसमें यूज़ करता हूँ मैं जोसेफ, क्योंकि जोसेफ का क्या होता है कि बहुत ज़्यादा भागता है, ठीक है, डैमेज पड़ने से। वैसे ये मेरा कैरेक्टर है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो बस दो ही कैरेक्टर अभी तक मैंने नहीं लिए, लेकिन मैं बहुत जल्द इसको इन दोनों को ले लूँगा जैसे टूर पर ऑफर आएगा। ठीक है गाइस, तो अभी आप बात कर लेते हैं इस वॉल्ट की। ठीक है, वैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ वॉल्ट के, सबसे पहले मैं आदर में जाऊँगा। वैसे यहाँ पे मेरे पास दो मैजिक क्यू है। ठीक है, मैं मतलब अभी तो मैंने स्टॉक करके रखा क्योंकि मैजिक क्यू में अभी तो उतना कुछ खास ड्रेसेस नहीं है, और बहुत जल्द मेरा तीसरा मैजिक क्यू भी हो जाएगा क्योंकि मेरे पास मैजिक क्यू फ्रेगमेंट जो है ये भी 64 है, तो बहुत जल्द मेरे पास ये हो जाएगा। ठीक है, और वैसे यहाँ पे देख सकते हो जो डिस्काउंट कूपन है मेरे पास, ये बहुत सारे डिस्काउंट कूपन मेरे पास है, नाम रोजगार दो है, क्योंकि मैं एक टाइम पे ऐसा हुआ था इसमें मेरे पास इतने सारे रेयर बंडल है, तो उसी रेयर बंडल के हिसाब से मैं नाम रख रहा था, और क्योंकि मेरे पास 13 एक टाइम पे नाम चेंज करता, ठीक है, फिर मैंने नाम चेंज करते करते खत्म कर दिया सब कुछ। तो गाइस अभी हम बात करेंगे फैशन में। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास फ्री फायर के अभी तक के ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो बस मतलब बहुत ज़्यादा रेयरेस्ट कलेक्शन है, क्योंकि मेरा आईडी 2017 में आई थिंक अक्टूबर या नवंबर में बनाया था, अगस्त में गेम आया था 2017 में, बहुत जल्द इसका एनिवर्सरी भी आने वाला है 11th अगस्त को। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे को कितना इनवाइट आते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं 2017 में आई थिंक 11th अगस्त को गेम लॉन्च हुआ था प्ले स्टोर में, और हम लोग शायद अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर में मैंने शायद ये गेम खेलना चालू किया था। तो वैसे हम लोग जिस टाइम पे ये गेम खेलते थे तब ये जो हमारा जो सर्वर था वो पूरा सिंगापुर से मिला हुआ था, कोई अलग से सर्वर नहीं था, ना कोई रैंक था, ना कुछ था। ठीक है, ना कोई गन स्किन था, कुछ नहीं था, एकदम होता है ना जो स्टार्टिंग में जो आप खेलते हो ऐसे एकदम वैसा था। ठीक है, तो गाइस उस टाइम कार्ड 100 के भी नहीं आया था गेम में, उस टाइम ड्रॉप पे 4x मिला करता था, आप अगर जो पुराने प्लेयर हो गए उनको पता होगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे, देखो ये वाला इलाइट पास भी है, बहुत सारी ई तो इलाइट पास का है, बहुत सारे ड्रेसेस कलेक्शन है। तो यहाँ पे रेयर जो आप हम लोग आपको बोलते हैं रेयर, ये अज्जू भाई वाला हो गया, तो यहाँ पे ये रेयर जो है मेरे पास वो आपको दिखाना चाहता हूँ मैं, ये वाला भी है हमारे पास, ये वाला भी है, तो यहाँ पे दिखाता हूँ गाइस कौन सा वाला सबसे ज़्यादा रेयरिस्ट है। ये वाला बाल भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है, वन ऑफ द फेवरेट है मेरा। ये देखो सेकंड इलाइट पास जो वन ऑफ द रेयरिस्ट माना जाता है फ्री फायर के अंदर इंडिया में, ये इंडिया में बोलो या चाहे वर्ल्ड में बोलो। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो मेरे पास इतने सारे ये ड्रेसेस है, कैप है, ठीक है, इसके बाद गॉगल्स की बात किया तो यहाँ पे लगभग मेरे पास सारे के सारे गोल्स अभी तक जितने भी आए सब सब कुछ सारे के सारे ही है, लेकिन दो तीन को छोड़ के ये वाला भी है हमारे पास, ये किंग वाला। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप लोग देख लो, और गाइस यहाँ पे डेविल वाला है, ये इसका मैंने गिवे भी किया था, ये भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, ये इस पर्सनल फेवरेट है। इसके बाद गाइस देख सकते हो यहाँ पे खत्म ही नहीं होंगे, ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाला भी सबीर वाला इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, और ये वाला देखो गाइस ये वाला बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा फनी लगता है यार, ओ भाई इतना कमा लेते हो 350 जोमेटो वाला। तो उसके बाद गाइस देखते हैं यहाँ पे ये हैकर वाला भी हमारे पास ही, तो सबके पास ही होता है। एंड उसके पास गाइस यहाँ पे ये हो गया मेरा लड़के का गॉगल्स। ठीक है, अब बात कर ले तो यहाँ पे कुछ नया ऑप्शन आया है, पता नहीं ये क्या है, रेविल हेड गियर, पता नहीं क्या है, लेकिन
ये भी मेरे पास है, ये शायद आपको आपके पास भी होगा। गाइस ड्रेसेस की बात किया जाए तो ये शायद ये थर्ड डिलाइट पास का ड्रेस है, ठीक है गाइस। और ये जोकर वाला बंडल आप सबके पास है, ये आई थिंक आई गेस ये फोर्थ फिफ्थ डिलाइट पास का बात कर रहे हो, ये भी डिलाइट पास है सिक्स या शायद का। वैसे आप देख सकते हो मेरे पास साफ सबके सब डिलाइट पास और डायमंड रॉयल के में जितने सारे ड्रेसेस हैं मैक्सिमम सबके सब कुछ है, ठीक है। कभी कभी मैं गरीब हो जाता हूँ उस टाइम में नहीं ले पाता जब तक जब मेरा पॉकेट मनी नहीं रहता, लेकिन मैं लगभग लगभग सारे के सारे लेके रखे हैं, ठीक है। तो ये वन ऑफ द गाइस यहाँ पे मैं आप मेरी आईडी में मतलब इंडिया में बहुत ही कम यूट्यूबर के पास, हम जब पहला सीजन आया था मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब सीजन वन मतलब जैसे अभी चल रहा है सीजन 14 या 15 या फिर 16 जितना भी सीजन चल रहा है, जब सीजन वन आता है तो हम लोग सीजन वन और सीजन टू पहले क्या होता था, एक सीजन में मान लीजिए एक सीजन 2 महीने का होता है तो 2 महीने का इलाइट पास हुआ था, ठीक है। तो लेकिन दो पहले एकदम स्टार्टिंग में जब इलाइट पास आने चालू हुआ था तो 2 महीने का एक सीजन होता था और दो वो एक सीजन का इलाइट पास होता था। अभी जैसे कैसे कर दिया, अभी महीने का हो गया, आप देख सकते हो ये सीजन टू है, मतलब सीजन वन और टू मिला के सीजन टू हुआ, मतलब सीजन वन था ही नहीं वहाँ पे, सीजन वन और सीजन टू मिला के सीजन टू बोला जाता है। तो वैसे यहाँ पे देख सकते हो मैं सीजन टू में भी मैं उस टाइम तो मैं उस टाइम का भी मैं गोल्ड का प्लेयर था, हीरोइक का भी मेरे पास ये वाला भी है। तो वैसे देख सकते हो ये वाला कतई जहर है, ये भी वन ऑफ द रेयरेस्ट बंडल है जो पुराने प्लेयर्स है और जो पुराने प्लेयर्स है और जो लोग उस टाइम अच्छे खेलते थे वो जो हीरोइक वाले बंदे, आप लोग देख सकते हो मेरे पास ये वाला ड्रेसेस भी है, ठीक है। सीजन टू का ये होता वन ऑफ द रेयरेस्ट, ये आगे जाकर और भी रेयर बनने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो ये जो आप सीजन टू में आप सोचो सीजन टू में हीरोइक जो जाएगा वो तो अच्छा ही खेलेगा, नॉर्मल सी बात है, उस टाइम तब गेम नया नया है, तब हीरोइक जाना बहुत ही हार्ड था, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो सीजन ये सीजन थ्री का हो गया, सीजन थ्री का हीरोइक हो गया, ये सीजन फोर का हीरोइक हो गया, ठीक है। सारे के सारे हीरोइक, सीजन फाइव मेरे पास सारे के सारे हीरोइक वाले ड्रेसेस है क्योंकि मैं ग्लोबल उस टाइम रिप्रेजेंट करता था, उस टाइम हमारा गिल्ड हुआ करता था वार गॉड, और वार गॉड में टॉप ग्लोबल के तीन बंदे थे, मालवेयर, लुकान, ठीक है, वाल्टर भाई, सारे के सारे जो पुराने प्लेयर्स थे बहुत अच्छे खेलने वाले थे उस टाइम के। तो गाइस यहाँ पे मेरे पास लगभग लगभग सारे के सारे सीजन हीरोइक वाले ड्रेसेस है। तो मेरे पास और भी बहुत सारे रियर बंडल है, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट और रियरेस्ट सीजन टू इलाइट पास गाइस, इसका इस बंडल का मतलब कोई दूसरा, ये मेरा वन ऑफ द क्या, ये मेरे आईडी का सबसे अच्छा लगता है मेरे को ये वाला ड्रेस, लेकिन मैं ये वाला ड्रेस को इतना ज्यादा पहन लिया कि मेरे को अच्छा नहीं लगता पहनने का, तो मैंने इसको इतना ज्यादा पहना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये वाला सीजन टू का है। और गाइस आप बात करें बॉड ड्रेसेस की, तो मेरे पास ये वाला जो बॉड ड्रेस था ये वाला मेरे पास पहले से ही था, ठीक है गाइस। अगर यहाँ पे बॉड ड्रेस के कलेक्शन भी मेरे पास है, रिसेंटली आया था हमारे, अभी भी है लक रॉयल में, देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास कम से कम 13-14 बॉड ड्रेसेस है, ठीक है, मतलब हर एक कलर के, ठीक है, देख सकते हो आप। तो ये यहाँ पे मैं इसमें से मेरे को ये वाला पर्सनल फेवरेट है, और ये ब्लू वाला, इसका ये ब्लू वाला भी अच्छा लगता है और ये व्हाइट वाला भी अच्छा लगता है, ठीक है, व्हाइट वाला, ठीक है। ये हमारे ड्रेसेस हो गए, ठीक है गाइस, देख सकते हो यहाँ पे ड्रेसेस। और मैं आपको दिखाता हूँ मैं सबसे पहला जो फ्री फायर में सबसे पहला बंडल मैंने कौन सा खरीदा था, मैं आज आप मतलब आज आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो गाइस ये रहा जो बंडल है, ये वाला जो ड्रेसेस है, 1i8 स्वीट, ये वाला ड्रेस ये जो स्वीट है ये हमने सबसे पहले फ्री फायर में, फ्री फायर के अंदर सेकंड इलाइट पास मैंने सबसे पहले इलाइट पास लिया था, उसके बाद मैंने ये वाला जो ड्रेस है ये वाला ड्रेस मैंने लिया था, ठीक है, टी शर्ट के अंदर जो ड्रेस आता है ये वाला जो 1i8 स्वीट जो टॉप है इसको मैंने सबसे पहले परचेस किया था, सबसे पहला मेरा ड्रेस बंडल यही था, मैं उस टाइम एक टाइम पे इसको पहन के बहुत ज्यादा खेला है। उसके बाद देख सकते हो हमारे पास बहुत कुछ है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप लोगों के पास भी शायद होंगे, बस देख लो यहाँ पे खत्म ही नहीं होते। अब ये वाला भी है क्वारंटीन जो रिसेंटली आया था स्टोर में, अभी भी है शायद, तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस बहुत सारे फ्री के उस टाइम ये वाला, ये सारे ड्रेसेस उस टाइम बहुत चलते थे ये वाला ड्रेसेस उस टाइम, क्योंकि इतना ज्यादा रेयर बंडल नहीं था उस टाइम, ये वाला ये सब ड्रेसेस जो आते ना ये सब बहुत ज्यादा चलते थे, ये वाला देख रहे हो उस टाइम ये वाला ड्रेसेस बहुत ज्यादा चलते थे, यस ये वाला भी हमारे पास है, ये वाला भी वन ऑफ द रेयरेस्ट है। तो गाइस आप चलते हैं पैंट की तरफ, तो पैंट में देख सकते हो गाइस जैसे कि बंडल हमारे पास बहुत सारे हैं, ये वाला भी मेरे पास आर्कटिक ब्लू का भी बंडल है, उसके बाद ये वाला भी है और ये वाला भी है, ये भी मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब इस वाले बंडल को लेने में मेरे को बहुत ज़्यादा पैसे गए थे, ठीक है। गाइस देख सकते हो यहाँ पे जो ये वाला बंडल है ये मेरा सबसे पहला इंक्यूबेटर में जो मतलब इसमें मेरा इतना डायमंड खर्चा हुआ था, मैं लिटरली बता रहा हूँ, उस वीडियो में मिलियन व्यूज है, अब जाकर देख सकते हो मेरे चैनल में, ठीक है। और उसके बाद गाइस देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास और भी बहुत सारे रेयरेस्ट बंडल है, मैं देखा मतलब देख लो आप लोग देख लो बहुत सारे इलाइट, मतलब मैं सीजन फाइव से लेके मतलब सीजन सिक्स से लेके सारे इलाइट पास मेरे पास है, और मेरे पास अभी तक के 3 इलाइट पास नहीं है, जो पहला इलाइट पास मैं जानबूझ के नहीं लिया था, तो उसे मेरा पॉकेट मनी का चक्कर था, उसके बाद मैंने सेकंड इलाइट पास लिया था और थर्ड इलाइट पास मैंने नहीं लिया था, फिर फोर्थ लिया था, फिर फिफ्थ नहीं लिया था, तो टोटल में मैंने 3 इलाइट पास नहीं लिए थे, बाकी सबके सब उस टाइम से लेकर अभी तक जितने भी सारे कुछ चीज़ें गेम में आए हैं लगभग लगभग सारे के सारे मेरे पास है, ठीक है। अभी तक जितने भी इंक्लूडर्स आए हैं, ठीक है, उनमें से कभी कभी मैं हर इंक्लूडर का ड्रेसेस है मेरे पास, लेकिन
हर का टॉप ड्रेसेस नहीं है, लेकिन मैंने हर कभी ना कभी मतलब हर एक एक इनक्यूबेटर में बस वो गन वाले को छोड़ के मैंने सब कुछ निकाले हुए हैं। मतलब कार में मैंने नहीं निकाला था, और जब एक इनक्यूबेटर आया था तब भी मैंने नहीं निकाला था। ठीक है, इसमें यहाँ पे देख लो, आप लोग देख लो, बस देख लो, अब बस देखते जाओ। मेरे पास देख लो, खत्म ही नहीं हो गया सीजन 2 वाला। यहाँ पे बहुत सारे सब कुछ है मेरे पास। गाइस यहाँ पे हमको ये वाला बंडल सुनीता ने गिफ्ट किया था, वन एंड ओनली। गाइस ये वाला बंडल जो है सुनीता ने मेरे को गिफ्ट किया था, ये वाला जब उसको 80,000 डायमंड मिले थे, तो इसके कुछ ये था, और कुछ इवेंट आया था मेरे को पता नहीं, ठीक है, याद नहीं है। तेरे वाले भी देख लो। उसके बाद जूते की बात करें तो गाइस देख सकते हो हमारे पास जूते की कलेक्शन भी बहुत ही अच्छे है। गाइस देख सकते हो ये वाला कलेक्शन भी बहुत ही अच्छा है, देख सकते हो आप लोग। ये वाला भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट जूते हैं। उसके बाद मैं इसको भी बहुत ज़्यादा पहनता हूँ, इसको भी कभी इसको ये वाला नहीं ये वाला भी, तो ये तो मेरे आपको पता ही होगा, आप मेरे को फॉलो करते हो आपको पता ही होगा, ये वाला भी मैं हम बहुत ज़्यादा पहनते थे एक टाइम पे, ये वाला भी पहनते थे हम लोग। उसके बाद ये वाला तो मैंने बहुत ज़्यादा पहना हुआ है, ये वाला भी पहना हुआ है, ठीक है। और चप्पल में पहनता था, चप्पल की कलेक्शन मैंने कहाँ गया, यहाँ चप्पल, ये वाला भी मैंने बहुत ज़्यादा पहना हुआ है, ठीक है। अब बात करें तो बंडल्स की, गाइस देख सकते हो हमारे पास सब लगभग सब कुछ सारे बंडल्स है। और ये वाला गाइस देखो, ये वाला जहर, क्योंकि मैंने इस वाले को लिया था, मैंने एक पूरा मेरा ये मंथली गया था, ठीक है, मंथली मेंबरशिप लिया था मैंने। उस टाइम इनक्यूबेटर 30 में स्पिन होता था, एक स्पिन 30 में, तो डेली मेरे को 60 मिलते थे, मैं रोजाना दो दो स्पिन किया करता था। मेरे को एक महीने में मेरे को निकला था ये वाला इनक्यूबेटर, उस टाइम इनक्यूबेटर एक महीने में था। उसके बाद ये वाला इनक्यूबेटर का भी ड्रेस है, उसके बाद ये आर्किटेक्ट निंजा, ये भी है, ठीक है। लड़की में मेरा कुछ इतना कुछ अच्छा खासा कलेक्शन नहीं है, फिर मैं लड़के वाला आपको दिखा देता हूँ। लड़के वाला कैरेक्टर में ज़्यादा मैं लड़की यूज़ नहीं करता हूँ, तो मेरे पास इतने कुछ खास लड़की का कलेक्शन नहीं है, फिर भी आप देखो देख लो गाइस, लड़की में देख लो गाइस। उस टाइम ये सेकेंड इलाइट पास का ड्रेस है, ये शायद फोर्थ का है, ये भी है मेरे पास। इस देख लो लड़के वाला ड्रेस भी देख लो, क्योंकि मैं ज़्यादा लड़कियों से खेलता नहीं, तो मेरे पास लड़की का उतना कुछ खास कलेक्शन नहीं है, लेकिन है लेकिन उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन है यहाँ पर उतना कुछ खास नहीं है, देख लो यहाँ पर भी गाइस। यहाँ पे ये वाला एप्पल पातो वाला, और इसका भी मेरे पास, इसका जो अपग्रेड वर्जन ये वाला भी हमारे पास है, ठीक है। और देख लो गाइस, ये वाला भी कभी बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगा दो लकी में। ये वाला देखो गाइस, हाथ का, ये भूत का, ये तो गाइस। तो यहाँ पे देखो ये हो गया हरिन का, ठीक है। और ये लेकिन ये वाला जोमेटो वाला मेरे को बहुत अच्छा लगता है, कितने पैसे कमाते हो 75 जी, 350 रुपये। तो गाइस यहाँ पे और भी देख सकते हो गाइस, यहाँ पे बहुत सारे बहुत ही अच्छे अच्छे कलेक्शन है हमारे पास। और यहाँ पे ड्रेसेस की बात किया जाए तो यहाँ पे बहुत सारे ड्रेसेस है लड़कियों के भी, यहाँ पे देख लो आप लोग, देख लो गाइस यहाँ पे देख लो, बस देखते जाओ आप लोग, देख लो बस देख लो, खत्म ही नहीं होंगे, देख लो गाइस देख लो। बिकनी भी हमारे पास है, ये वाला भी है, और बॉट और भी सब कुछ है हमारे पास। और गाइस देखते जाओ, ये वाला बिकनी भी हमारे पास है, ये वाला भी है। मैं स्टार्टिंग के टाइम पे मैं लड़की कैटर ले खेलता था, उसके बाद से मैं नहीं खेला, और मेरे को याद नहीं है पहला वाला लड़की वाला बंडल क्या लिया था, लेकिन है मेरे पास लगभग सारे सबको लगभग है 70% मेरे पास कलेक्शन है लड़कियों का, ठीक है गाइस। अब देख लो आप, ठीक है। और बात करें लड़कियों की पैंट की तो देख लो गाइस, ये भी है, देख लो गाइस, अब लोग देख लो, पूरा है, सब कुछ दिखा देता हूँ आज, पता चल जाएगा मेरे पास क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ये भी है, कहते ओपी दिख रहा है मेरा ड्रेस, मेरा कैरेक्टर, बंद कर देता हूँ, काफ़ी ठरकी लोग हैं यहाँ पे। गाइस यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे ड्रेसेस हैं हमारे पास, तो वन ऑफ द रेयरेस्ट है। और यहाँ पे जूते में भी तो आप पता ही चल गया होगा, जूते में मेरे पास क्या क्या जूते हैं, यहाँ पे देख लो गाइस देख लो। और ये जूते हो गया, और क्या है लड़की में, ठीक है। और यहाँ पे लड़की की बंडल की बात करें तो हमारे पास लड़की की बंडल में ये वाला भी है, और लड़कियाँ उतना कुछ खास बंडल नहीं है, ये तो बस इसका है, क्या बोलते हैं जो जम तोड़ने वाले लेके जम करती है, वो उसका करेक्टर है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वॉल्ट का कलेक्शन, ठीक है। अब बात करेंगे हम पेट की, गाइस पेट में मेरे पास अभी तक फ्री फायर में जितने भी सारे पेट्स आए हैं सबके सब मेरे पास है। हमारे पास फेल्को भी है, उसके बाद ये वाला भी है, उसके बाद बोरिंग भी है, उसके बाद रोबोट भी है, रोबो भी है, उसके बाद स्पिरिट फॉक्स भी है, उसके बाद सिवा भी है, उसके बाद ये तो सबसे पहले आया था बिल्ली, ये भी है, ठीक है। उसके बाद कुत्ता भी है, उसके बाद पैंथर भी है, और पांडा भी है। हमारे पास मतलब लगभग सारे के सारे पेट्स हमारे पास सब कुछ है, ठीक है। और उसके स्किन की बात किया जाए तो हमारे पास सारे के सारे पेट स्किन भी है लगभग सारे के सारे, आप लोग देख लो एक बार। और सिपाही को मैं उतना ज़्यादा ये नहीं रहा, तो सिपाही को मैंने उतना ही अच्छा नहीं लगता मेरे को,
तो गाइस आज के लिए वीडियो यहीं तक था, क्योंकि इससे आगे मेरा गन कलेक्शन दिखाऊंगा या फिर मेरा इमोट कलेक्शन या फिर बैनर जितने मेरे कलेक्शन सब दिखाने जाऊंगा, तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, यानी कि और भी 15 मिनट खर्चा हो जाएंगे आप लोगों का। तो मैंने सोचा ये वीडियो को यहीं तक करते हैं और इसका एक अलग से पार्ट बनाएंगे गन कलेक्शन के ऊपर, ठीक है। तो इस वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड आप सभी के लिए एक सवाल है मेरे को, आप पूरा वीडियो में मेरे को कितनी बार रिक्वेस्ट आई है बंदों की, अगर आप जो बंदा जो पहला पांच बंदा होगा जो लोग पहले बोलेंगे मेरे कमेंट बॉक्स में, जो लोग पहले रिप्लाई करेंगे कि गाइस आपको इतनी बार रिक्वेस्ट आया है बंदों की, तो उन पांच बंदों को मिलेगा 100-100 करके डायमंड, ठीक है। तो गाइस जो पहले पांच बंदे कमेंट करेंगे मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर कि मेरे को कितने सारे रिक्वेस्ट आए थे इस वीडियो के दौरान, तो उन पांच बंदों को मिलेगा 100-100 करके डायमंड। तो गाइस जल्दी जल्दी कमेंट करो मेरे को कितने रिक्वेस्ट आए थे इस वीडियो के दौरान, ठीक है। तो चलो गाइस कल मिलते हैं, कल 9 बजे सुबह के लाइव स्ट्रीम में, और कल 9 बजे सुबह के लाइव स्ट्रीम में मैं उनको 100-100 करके डायमंड गिवे करूंगा, ठीक है। चलो गाइस मिलते हैं कल सुबह को, बाय बाय।